गाइस वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज हम एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आए हैं क्योंकि सभी पेरेंट्स की एक ही चिंता होती है कि हमारा बेबी इस एज का है, उसका एग्जैक्ट वेट कितना होना चाहिए। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बच्चों की किस एज में कितना वेट होना चाहिए, क्या सही है और क्या नहीं। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज लाइक करके सबके साथ शेयर करिएगा। किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो गाइज, जब वेट की बात आती है तो हम सभी पेरेंट्स काफी ज्यादा वरिड होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही दुबला दिखता है, कुछ भी नहीं खाता है, या तो अंडर वेट है। ये हम एक तरह से कभी कभी अजम्पशंस लगा लेते हैं कि ऐसा है। बट देखिए गाइज, एक्चुअली क्या होता है, टाइम टू टाइम आपको वेट पे चेक रखना पड़ेगा। जब तक आप वेट मेजर नहीं करेंगे, आप सिर्फ देख के आउटर अपीयरेंस से या फिजिकल अपीयरेंस से आप नहीं एस्टिमेट करके बता सकते कि बच्चे का वेट कितना है। जब आप उसका एक्चुअल वेट देखेंगे तब आपको पता। कभी कभी बच्चे बहुत दुबले होते हैं दिखने में बट उनका वेट एकदम सही होता है, क्योंकि एक बच्चों की ग्रोइंग एज है। जब हाइट एक तरह से इंक्रीज होती रहती है तो उस टाइम पे वेट भले ही हो जाता है बट वो दिखने में दुबले पतले लगते हैं। तो आपको ये वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बच्चे बहुत मोटे तगड़े दिखें ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। ठीक ठाक दिखने चाहिए बट मोटापा बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जब अभी मोटे हो जाएंगे तो बाद में जाके और भी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, लाइक ओबेसिटी या इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों को हो जाती है। तो बच्चा हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, प्रॉपर मील्स ले टाइम टू टाइम, प्रॉपर खेले कूदे, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि वेट बहुत ज्यादा हो। तो इसके लिए वरी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बच्चे का वेट अंडर है, अभी हम आपको बताएंगे कि किस एज में कितना वेट होना चाहिए, अगर आपका बेबी अंडर वेट है तब आपको वरी करने की थोड़ी बहुत जरूरत है। बच्चों की डाइट में आपको जो वेट बिल्डिंग फूड है वो इंक्लूड कर दीजिए। साथ में आप मल्टी विटामिन्स की सिरप्स दे सकते हैं, ली 52 दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों को भूख लगने में भी हेल्प करेगी। प्लस जो भी विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होती है या जो चीज फूड से या उनकी प्रॉपर डाइट से हम नहीं दे पाते हैं वो चीजें ये पूरी कर देती है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, आप कभी कभार दवाइयां बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं जब आपको लगे किसी चीज की बच्चों के अंदर कमी हो रही है। तो इस वजह से, इस तरह से आप बच्चों का वेट एक तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारा बेबी अंडर वेट है, हम क्या डाइट उसको दें। तो सबसे पहले आपको बच्चों की डाइट में वेट बिल्डिंग फूड इंक्लूड करना सबसे मस्ट है। और साथ में गाइस, जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं यानी 1 ईयर प्लस के हो जाते हैं तो मिल्क प्लीज थोड़ा सा कम कर दीजिए बच्चों की डाइट से। जब आप बहुत ज्यादा मिल्क देंगे तो बच्चों की भूख खत्म हो जाती है कुछ और खाने की। अदर दिस आप एक्सपेरिमेंट करिए, अच्छी अच्छी चीजें बच्चों को दीजिए जिससे बच्चों का वेट बिल्ड हो। सिर्फ मिल्क पीने से वेट बिल्ड नहीं होता है। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें हमने प्रॉपरली बताया है कि वेट बिल्डिंग फूड क्या क्या होते हैं, कौन कौन से आप बच्चों की डाइट में इंक्लूड करिए। तो उनको बच्चों की डाइट में इंक्लूड करिए, साथ में थोड़ी दवाइयां भी इंक्लूड कर दीजिए अगर आपको लगता है कि किसी चीज की बच्चों के अंदर मिनरल्स की विटामिन्स की कमी कभी कभार हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि किस एज में बच्चों का कितना वेट ऑन एन एवरेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, 1-1.5 किलो ऊपर नीचे बिल्कुल चलता है, उससे अंडर वेट या ओवर वेट बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। और सिर्फ मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि आप ध्यान दीजिए कि बच्चा एक्टिव है, अच्छा प्ले टाइम एंजॉय कर रहा है, प्रॉपर मील्स ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो जब बच्चों का बर्थ होता है तो जो एक्चुअल वेट माना जाता है कि एकदम एक्यूरेट है वो होता है 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलो, इसके बीच में ही वेट है या ये वेट है तो वो एकदम सही माना जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बाद जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है उस टाइम पे बच्चों का वेट अराउंड 3.5 से लेकर के कहीं 4.5 किलो के बीच में होना चाहिए, वो एकदम नॉर्मल वेट माना जाता है। बीच में मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि बच्चों के बर्थ के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के बाद
बच्चों का वेट थोड़ा रिड्यूस होता है, उसमें वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जब एमनियोटिक फ्लूड में होते हैं उसके बाद बाहर निकलते हैं तो थोड़ा फूले फूले से होते हैं, वो थोड़े दिन बाद अपने आप बैक टू नॉर्मल हो जाता है, वो बिल्कुल भी परेशान होने की उसमें जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जब बच्चे 2 महीने के हो जाते हैं। 2 महीने के बच्चों का वेट 4.5 किलो से 6 किलो के बीच में होना चाहिए। 3 मंथ्स में बच्चों का वेट 5 किलो से 7 किलो के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जब बच्चे 4 महीने के हो जाएं तो उस समय 5.5 किलो से 8.5 यानी 5.5 से 8.5 केजी के बीच में वेट एकदम नॉर्मल माना जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एज आई सेड वो चलता है। देन 5 मंथ्स में बच्चों का वेट 6 केजी टू 9 केजी के बीच में होता है। 6 मंथ्स में बच्चों का वेट 6.5 से 9.5 के बीच में होता है, वो एकदम नॉर्मल होता है। 7 मंथ्स के बच्चों का वेट अगर 6.5 से 10 केजी के बीच में है तो वो एकदम नॉर्मल होता है। 10 मंथ्स के बच्चों का वेट 7.5 केजी से 11 केजी के बीच का होता है। 11 मंथ्स में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं बच्चों के वेट में, वो सेम रहता है 7.5 से 11 केजी के बीच में। बहुत ज्यादा चेंजेस इस महीने में नहीं आते हैं। और उसके बाद जब बच्चे 1 साल कंप्लीट करते हैं उस टाइम अराउंड 12 किलो बच्चों का वेट होता है, वो समवेयर अराउंड 9 केजी से 12 केजी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। इसके बाद हम वेट मेजर करते हैं जब बच्चा 18 मंथ्स कंप्लीट करता है यानी कि 1.5 साल। तो 18 मंथ्स में बच्चों का वेट 10 केजी से 12 केजी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद बात की जाए 2 साल की, तो 2 साल में बच्चों का जो एवरेज एक्चुअल वेट माना जाता है वो होता है 12.5 केजी। 12.5 केजी 2 साल में एकदम परफेक्ट वेट माना जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। नेक्स्ट जब बच्चा 3 साल कंप्लीट करता है तब बच्चों का वेट 15 केजी होना चाहिए ऑन एन एवरेज। उसके बाद 4 इयर्स कंप्लीट करने पे बच्चों का वेट 18 केजी होना चाहिए ऑन एन एवरेज। एंड लास्टली जब बच्चे 5 इयर्स के हो जाएं तो 20 केजी ऑन एन एवरेज एक बहुत ही अच्छा वेट माना जाता है। तो ये थे सारे डिटेल्स, आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे अलग अलग कमेंट्स में। तो आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। किसी भी तरह की क्वेरीज रह गई हो या मैंने कोई भी पॉइंट मिस आउट किया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं।